हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास नाइन्थ में एनसीईआरटी एग्जाम पर हम सॉल्व कर रहे थे मैटर एंड आर सराउंडिंग। और जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से एनसीईआरटी एग्जाम पर के। ओके, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन हैं। अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम पर लगाने की कोशिश ना करिएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले पढ़ना है आपको चैप्टर, और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में, लिंक दिया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी लिंक दिया और चैप्टर का भी। अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो ऊपर जो लिंक है मैटर एंड सराउंडिंग का, वहाँ पे क्लिक करिए तो चैप्टर खुल के आ जाएगा। तो पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, और अगर आपको चैप्टर आता है अच्छी तरीके से, एग्जाम्पलर लगाना है तो कमेंट जो मैंने पिन किया हुआ है उसमें देखिए, नीचे आके एक पिन कमेंट है, तो उसमें सबसे नीचे आओगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे वहाँ पर आपको। वहाँ पर आप मैटर एंड सराउंडिंग पे क्लिक करिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे, पार्ट वन से चीज़ें खुल के आ जाएंगी। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही कि क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, अब लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन कमेंट। ओके, कह रहा है कि क्या ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, कमेंट करूँ। ठीक है, तो इसका जवाब है हाँ। कैसे, देखो देखो डिफ्यूजन क्या होता था। डिफ्यूजन आपको हमने बताया था सिंपली कि मान लीजिए ये रीजन ए है और ये रीजन बी है। ठीक है, तो रीजन ए में पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और रीजन बी में पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है पार्टिकल का, हायर कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन या लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, और डिफ्यूजन में क्या होता था, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता था हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में खाना बना, ठीक है, अब उसकी स्मेल आ रही है आप तक, तो ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। क्योंकि जहाँ पर खाना बना वहाँ पर जो वेपर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ ऑब्वियसली मसाले के भी पार्टिकल्स आ गए हैं, ठीक है, वाटर के साथ चिपक कर, तो वो उड़ते हुए आपके पास तक आते हैं, रूम के हर कोने तक जाते हैं। तो वो आपके गैस बर्नर से आप तक कैसे आते हैं, डिफ्यूज़न के थ्रू। क्योंकि वो गैस बर्नर के आसपास जहाँ पर आपका खाना पक रहा है वहाँ पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बाकी जगह कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, वो डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है। तो डिफ्यूज़न बहुत ईजी है, ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, ऑस्मोसिस की। ठीक है, तो ऑस्मोसिस का पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने सॉल्व किया था, आई थिंक वीडियो नंबर 2 था, जो ऑनलाइन व्यूअर्स है वो भी सुन लें, वहां पर हमने आपको ऑस्मोसिस टेक्निकली नहीं बताया था और हमसे एक गलती भी हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। यहां पर ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया भी था कि भाई आगे आएगा तो हम इसको टेक्निकली और डिफाइन करेंगे, या जिसने क्लास करी होगी तो वहां पर हमने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, अभी हम आपको फिर से यहां पर समझाते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, मेम्ब्रेन का मतलब एक झिल्ली टाइप की है ना, एक बहुत पतली सी लेयर होगी और उसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे। पोर्स मतलब उसमें छोटे छोटे छेद होंगे जो आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसका नाम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों है, सेमी परमेबल नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ पार्टिकल्स को तो परमिट करेगी और कुछ को ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पर हम आपको एक सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। ठीक है, और इस सॉल्यूशन के हमने दो पार्ट किए हुए हैं, समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो ब्लू मार्कर से मैं बनाऊंगा, ये मैं बनाऊंगा सॉल्यूट के पार्टिकल्स, किसके, या मुझे ब्लू कलर से मुझे वाटर बनाना चाहिए है ना, तो मैं ब्लैक कलर से सॉल्यूट के पार्टिकल्स बनाऊंगा। अच्छा, इससे पहले कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं बहुत इजी शब्दों में कि सॉल्यूट क्या होता है आप इसको, और सॉल्वेंट क्या होता है आप इसको, एक बहुत इजी एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो आप शरबत बना रहे हो, ठीक है, तो शुगर लेते हो आप और वाटर लेते हो, ठीक है, तो जो शुगर है वो क्या है आपका, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, और सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में मिला दिया जाता है, डिजॉल्व कर दिया जाता है, तो जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका, दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बन गया। तो ये बहुत आसान भाषा में हमने आपको सॉल्यूशन बनाना बता दिया, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर से हमने सॉल्यूट को दिखाया है, ब्लैक मार्कर से हमने किसको दिखाया है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को। ठीक है, और ब्लू से हम वाटर पार्टिकल्स को दिखाएंगे। ठीक है, तो ये वाटर पार्टिकल्स, ओके, तो यहाँ पे हम साइड में लिख भी देते हैं कि ये ब्लैक से हमने किसको दिखाया बताइए, सॉल्यूट को, और ब्लू से हमने वाटर, वाटर का मतलब, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है,
ये ब्लैक वाला सॉल्यूट है, सपोज शुगर है, सपोज मान लो शुगर है, और ब्लू वाला क्या है, वाटर यानी कि सॉल्वेंट है। तो ये क्या है आपका सॉल्वेंट, हम वाटर लेके चल रहे हैं इस टाइम, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है बट हमने यहाँ पर वाटर कंसीडर किया है, ठीक है। क्योंकि जनरली कोई भी सॉल्यूशन आप देखोगे तो उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर ही होता है जनरली लैब में अगर आप देखोगे। अच्छा इधर राइट हैंड साइड देखिएगा जरा, यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सॉल्यूट हम आपको ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको पता चलेगा। ये ब्लैक मार्कर से हमने बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाए हैं, ये सॉल्यूट है और सॉल्वेंट जो है आपका ये, ठीक है। अब देखिए ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, अच्छा इससे पहले कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूट कम मिले, सॉल्यूट कम मिले, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, यही आप देख सकते हो। देखिए अगर हम यहाँ से देखिए, हमने लगभग वॉल्यूम दोनों तरफ बराबर रखा है, देखिए इतना वॉल्यूम इधर है इतना वॉल्यूम इधर, तो एक फिक्स वॉल्यूम में यहाँ पर सॉल्यूट कम है और उतने ही वॉल्यूम में यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है। मतलब अगर हम आपको शरबत दें ऐसा वाला और ऐसा वाला, तो कौन सा मीठा होगा, ये राइट हैंड साइड वाला, क्यों, हाँ ये कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इसके पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें कि पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये वाला सॉल्यूशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये वाला सॉल्यूशन इधर वाला कैसा है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को, ध्यान दें जरा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करती है, मतलब अपने में से पास होने देना चाहती है, और सॉल्यूट के पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं, तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसमें जो गैप छूटा हुआ है बीच में, तो ये गैप इतना है लगभग कि ये ब्लू वाले पार्टिकल्स को तो जाने देगा बट ब्लैक वाला का साइज क्या है, उससे बड़ा है, तो ब्लैक वाले ब्लॉक हो जाएंगे। अब आप यहां पर क्या देख रहे हो कि जो सॉल्वेंट है, ठीक है, वो मूव करना शुरू करेगा, सॉल्वेंट मतलब ब्लू वाले पार्टिकल, तो सॉल्वेंट मूव करेगा लेफ्ट से राइट कुछ ऐसे, तो ये ब्लू वाले पार्टिकल्स इधर जाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होते हुए, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो बताइए आपने यहां पर क्या देखा, आपने यहां पर यह देखा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है कहां से कहां, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, किसका मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, सॉल्यूट का नहीं। और क्वेश्चन नंबर टू और वीडियो नंबर टू में मेरे से यही गलती हुई थी, मैंने आपको वहां पर यह बोला था कि पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, बट मैंने सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूट बोल दिया था, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है, किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, यहां पर हमने लिखी हुई है, ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट टेन टू पास थ्रू अ, किसमें से पास करते हैं, टेन टू उनकी आदत होती है टेन टू पास थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेस कॉन्सेंट्रेशन मतलब जिसका कम कॉन्सेंट्रेशन कम हो, मतलब डाइल्यूट भी आप बोल सकते हो उसको, तो आप इसको डाइल्यूट बोलो और चाहे आप इसको लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलो, फ्रॉम अ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड वन। लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से वो किधर जाता है, मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट, पार्टिकल्स कौन से, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किधर से किधर मूव करते हैं, लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से वॉट, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, अब इसी बात को हम अगर पलट के देखें, ध्यान से चेक करिएगा, अभी जो हमने बात करी है वो हमने सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है, सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी, मतलब यहाँ सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉरी यहाँ सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूशन का। लेकिन अगर हम आपसे ये बोलें कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्वेंट कहाँ पे ज़्यादा है, ध्यान से ज़रा चेक करिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्वेंट के पार्टिकल आपको कहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये तो यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना, इतने ही वॉल्यूम में आपको सॉल्वेंट यानी कि ये जो ब्लू मार्कर से हमने दिखाया हुआ है सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा मिलेंगे और इधर आपको सॉल्वेंट के पार्टिकल कम मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। देखिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन शब्द का यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री में, ये हम सॉल्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। हम जब भी आपको कोई बोलता है ना कि भाई सॉल्यूट भाई सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो केमिस्ट्री में क्या बात कर रहा होता है, वो सॉल्यूट की बात कर रहा होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है वो ये कहना चाहता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही बात करें अभी आपस में और हम आपसे ये बोलें कि चलिए आप सॉल्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात मत करिए, मतलब सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात मत करिए,
आप सिर्फ सॉल्वेंट को देखिए और आप मुझे ये बताइए कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन किधर ज़्यादा है। सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है, यानी कि जब सॉल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जब सॉल्यूशन लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, यानी कि सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। और यहाँ पर देखिए, जब सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा होता है, तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, दिख रहा है। तो अगर हम सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है यहां पर, वो बताइए कहां से कहां मूव कर रहा है। सॉल्वेंट अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां मूव कर रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और यही तो डिफ्यूजन में होता था कि पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां मूव करते थे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो यही तो हो रहा है। अगर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सॉल्वेंट की मात्रा जहां पर ज्यादा है वहां से वो किधर मूव कर रहा है, जिधर सॉल्वेंट की मात्रा कम है। लेकिन सॉल्यूशन की पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आप इस तरीके से बोलोगे कि भाई ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से कहां जा रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन अगर हम अदर वे राउंड बात करें तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक डिफ्यूजन ही तो हो रहा है। क्योंकि डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, जरा फोकस करिएगा, जो पार्टिकल्स मूव करते हैं आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। मान लीजिए किसी गैस के पार्टिकल्स हैं, लेट अस अज्यूम ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन के पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वो कहां जा रहे हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो यही तो यहां पर हो रहा है। ऑक्सीजन की जगह क्या है, यहां पर वाटर है, तो आप वाटर पे फोकस करो ना, आप सॉल्यूट क्यों देख रहे हो, आप सॉल्वेंट को देखो। तो सॉल्वेंट अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही तो जा रहे हैं। तो जो इन्होंने हमसे पूछा है क्या कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, यस ऑस्मोसिस क्या डिफ्यूजन की तरह ही होता है, कॉमेंट करो। तो जवाब है हाँ, हो तो रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या था, पार्टिकल विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर भी तो यही हो रहा है कि सॉल्वेंट आर मूविंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये हम कॉन्सेंट्रेशन किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की। जब सॉल्यूशन की दृष्टि से आप देखोगे तो वो अलग बात है। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बताओ, तब तो आप ये लिखोगे कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से कहां जाते हैं, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन अगर आपको कोई ये क्वेश्चन पूछे कि ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, तो आपको अदर वे राउंड सोचना है। किसकी नजरों से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, सॉल्वेंट कहां पे ज्यादा है ये सोचना है, और सॉल्वेंट कहां पे कम है ये सोचना है। तो सॉल्वेंट जहां से ज्यादा है वहां से कहां जा रहा है, कम की तरफ, तो डिफ्यूजन की तरह ही तो है ये। मतलब डिफ्यूजन में भी मूवमेंट होता था हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और यहां पर भी मूवमेंट हो रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ये अब आपको अगर समझ में आ गया हो तो एग्जाम में क्या लिखना है वो देखिए, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, कमेंट। तो आंसर इज येस, दिस इज ट्रू इन बोथ द फिनोमेना। बोथ द फिनोमेना मीन्स व्हाट, डिफ्यूजन में एज वेल एज ऑस्मोसिस में, दोनों की बात कर रहे हैं। इन बोथ द फिनोमेना देयर इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सही बात लिखी कि नहीं लिखी, ये बताइए, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप ऑस्मोसिस में जाएंगे तो आपको सॉल्वेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देख के तब बात करनी है। तो बिल्कुल सही बात हमने यहाँ लिखी है। कह रहा है हाउएवर इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ, और हमने आगे बता भी दिया कि भाई ऑस्मोसिस में क्या होता है, चलिए बता ही देते हैं। तो हाउएवर इन द केस ऑफ ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच इज परमेबल ओनली टू वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, हमने बता भी दिया थोड़ा सा कि हाँ भाई ऑस्मोसिस में क्या होता है, तो जवाब है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, किसके थ्रू होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, उसमें से होके जाता है वो। और जनरली ये सॉल्वेंट होता कौन है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली। तो हमने आगे लिख दिया कि विच इज अ परमेबल ओनली टू वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बताइए कोई डाउट है इसमें, हाँ कोई डाउट नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 देखिए, कह रहा है क्लासीफाई द ऑस्मोसिस, एक्चुअल में हमने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। मतलब आपको बहुत सारे प्रोसेस दिए हुए हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑस्मोसिस है और कौन सा इसमें से डिफ्यूजन है। ठीक है, तो ए लेते हैं, कह रहा है कि स्वेलिंग अप ऑफ रेजिन इन कीपिंग ऑन कीपिंग इन वाटर। ठीक है, तो रेजिन मीन्स जो किशमिश आप रखते हो। ठीक है, आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग है मेरी, RAISIN। ठीक है, तो जो किशमिश होती है जब आप उसको वाटर में रखते हो तो वो कह रहा है स्वेलिंग अप हो जाता है, मतलब फूल जाता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, आइए जरा चेक करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना के यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये हमने वाटर लिया, ठीक है, और वाटर में हमने एक किशमिश का टुकड़ा डाला। ठीक, ये ऐसा, अब ये फूल जा रही है। कैसे ये फूल जा रही है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ी देर के बाद ये ऐसा हो जाता है, फूल गया है ना, आपने देखा भी होगा कभी। तो होता क्या है कि आप अगर ध्यान से चेक करें,
तो किशमिश तो वैसे सूखा हुआ होता है, आपने देखा है। मतलब अगर हम आपसे पूछें कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, क्योंकि देखिए जो फ्रूट से ही किशमिश बनता है, मेरे ख्याल से शायद अंगूर को सुखा के बनाता है, ग्रेप्स को, है ना, तो जहाँ तक मेरा विचार है। तो देखिए जब वो फ्रूट था तो उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे वो वाटर जो भी है जिस भी प्रोसेस से वो बाहर हो गया हो, ठीक है, तो इसमें अब वाटर कम हो गया है। तो इस किशमिश के अंदर वाटर कैसा है, कम, और वाटर यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट है, तो इस किशमिश में वाटर कम है, मतलब सॉल्वेंट यहाँ कम है और बाहर सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा। जो आपने पानी भर के रखा हुआ है ग्लास में या आपका जो भी है फ्लास्क है जो भी है, तो यहाँ वाटर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा है, यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई, और जो ग्रे जो भी आपने रखा था अंदर रेजिन, उसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम। सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम, सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, पिछला क्वेश्चन अभी आपने किया। तो सॉल्वेंट जो है वाटर धीरे 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 इस किशमिश के अंदर जाएगा, और यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन होगा, तो जवाब है किशमिश का जो आउटर सरफेस होगा, उसकी जो लेयर होगी, जो बाहरी परत होगी, वो एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम कर रही है, जो कि वाटर के पार्टिकल्स को अलाउ करती है, और धीरे धीरे पानी अंदर धीरे धीरे एक एक मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे करके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसमें भरने लगता है। तो आपने देखा सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ज़्यादा सॉल्वेंट वाले की तरफ से कम सॉल्वेंट वाले की तरफ, ठीक है, और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में आने का ये मतलब है कि आप यहाँ से अगर पर यूनिट वॉल्यूम उठाएं तो जितना पानी मिले उतना ही यहाँ से मिले, मतलब इसके पर यूनिट वॉल्यूम से, तो जब दोनों तरफ पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगी, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो बहरहाल हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आपने देखा प्रोसेस कौन सा हुआ बताइए, ऑस्मोसिस। तो हम फर्स्ट में क्या लिखेंगे बताइए, फर्स्ट में हम लिखेंगे ऑस्मोसिस। सेकेंड देखिए कह रहा है स्प्रेडिंग अप ऑफ, सॉरी, स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, ठीक है, तो कोई बंदा है और इसको कोल्ड हुआ है, तो ये जब स्नीज करेगा ये, ठीक, तो वायरस बहुत छोटे होते हैं आपको पता है, तो वायरस को अगर हम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स कंसीडर करें, तो ये देखिए यहाँ पर वायरस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कहीं बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे इसने फोर्स लगाया, इस पर फोर्स लगा, और ये वायरस धीरे धीरे हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाएंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की, यहाँ वायरस बिल्कुल नहीं है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये फ्लो करेंगे या मूव करेंगे एज अ पार्टिकल, ठीक है। तो बताइए ये कौन सा प्रोसेस है, जब पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। हाँ, अब यहाँ कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो ये क्या हो गया आपका, डिफ्यूजन, ठीक है, तो सिंपल है, तो ये प्रोसेस हो गया डिफ्यूजन। उसके बाद सी पार्ट, देखिए सी पार्ट क्या है, इसमें बच्चे थोड़ा सा खेलते वेलते भी हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अर्थवॉर्म जो केंचुआ होता है, कह रहा है कि अर्थवॉर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद कॉमन सॉल्ट, नमक जो होता है जो आप खाते हो जिसका फॉर्मूला NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, तो उस नमक को अगर आप केंचुए के ऊपर डाल दो तो वो तड़प तड़प के मर जाता है धीरे धीरे। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर देखिए, तो हम एक अर्थवॉर्म बना लेते हैं, ठीक है, तो सपोज़ ये आपका क्या है, ये है आपका अर्थवॉर्म, ठीक है। अब क्या किया आपने, इस पर NaCl थोड़ा डाल दिया यहाँ पर इसकी बॉडी पर ये, ठीक है, तो जब आप NaCl डाल देते हो तो आप ध्यान से, इतना तो आपको पता ही होगा, बायोलॉजी आप पढ़ते हो, कि अर्थवॉर्म का जो बॉडी है, जैसे हमारा बॉडी में मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, वाटर कंटेंट है, 80% लगभग वाटर है ना हमारी बॉडी का, तो इसी तरीके से ये जो केंचुआ है इसका भी जो बॉडी का अंदर का जो भी है, जो भी कॉन्टेंट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, वाटर है, ठीक। तो आप अगर ध्यान से चेक करें तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा है, इसकी बॉडी में, ठीक, और ये तो आपने ऊपर नमक डाला है, यहाँ तो वाटर के कुछ ही पार्टिकल्स कहिए हों भी जो उसने इधर उधर से एटमॉस्फेयर से ले लियो, बाकी तो ड्राई नमक है, बिल्कुल सूखा हुआ है, ठीक, तो सॉल्वेंट है वाटर यहाँ, तो ये सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाएगा, ज़्यादा से कम की तरफ, तो उसकी बॉडी में ज़्यादा है और ये नमक की तरफ भागेगा, और यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कौन करेगा, इसकी बॉडी का जो सरफेस है, जो इसकी स्किन होगी वो, ठीक है, तो ये वाटर के पार्टिकल्स ऐसे करके इधर से इधर मूव करेंगे। अब जब इसकी बॉडी से धीरे धीरे वाटर निकल ही जाएगा तो ये आप देखोगे थोड़ी देर के बाद बहुत पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, इसकी बॉडी डिस्टर्ब हो गई, सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाएंगी तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये कौन सा प्रोसेस है, हाँ, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस। हाँ भाई बताइए, ये ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है। हाँ 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 बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है,
ये अगर कह रहे हैं कि भाई अगर ये जो सॉल्ट है ये अगर एटमॉस्फेयर से वाटर नहीं लेता, और ऐसा हो नहीं सकता है पता है कि दो मतलब कुछ पार्टिकल्स, अरे भाई यहाँ पे वाटर है ना, वाटर पार्टिकल्स है ना एटमॉस्फेयर में, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपने नमक रखा अभी, इवन आप अभी बैठे हुए हो तो आपके आसपास भी आपकी स्किन पे आके वाटर मॉलिक्यूल्स आराम से चिपक जाते हैं, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं भी होता तब भी ऑस्मोसिस होता। चलिए उसके बाद डी प्रोसेस, डी ऑप्शन, क्रैश श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप। तो इसको देखते हैं क्या भाई, देखिए थिक शुगर सिरप ये क्या बोल दिया, चाशनी आपने देखी है रसगुल्ले में जो आपने खाई होगी चाशनी, ठीक है, तो वो थिक शुगर सिरप है, ठीक। ये देखिए अब हमने क्या किया, ये चाशनी है यहाँ पर, ठीक, और इसमें हमने अंगूर एक डाल दिया, ये ऐसे मार कर नहीं चल रहा भाई, रुकिए ये देखिए, तो ये शुगर सिरप है और यहाँ हमने एक अंगूर डाल दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि ग्रेप्स में तो नेचुरल वाटर होता है, ठीक है। अच्छा इतना दिमाग तो आप भी लगा सकते हो कि शुगर का कंटेंट कहाँ पे ज़्यादा, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 होता है, हमने क्लास में बताया हुआ है, ठीक है, तो फॉर्मूला वगैरह आपको नहीं देखना, बट शुगर की मात्रा ज़्यादा कहाँ पर है बताइए, शुगर सिरप में कि ये अंगूर जो आपने डाला है इसमें। हाँ शुगर सिरप में बहुत गाढ़ा चाशनी होता है वो आपने देखा है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप शुगर सिरप से पर यूनिट वॉल्यूम लें इतना पोर्शन, तो उसमें आपको शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, और ग्रेप्स में आपको शुगर कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कम मिलेगा, ठीक। यानी कि वाटर कहाँ पे ज़्यादा है ये मुझे बताइए, ग्रेप्स के अंदर वाटर ज़्यादा है कि शुगर में वाटर ज़्यादा है, शुगर सिरप में, ग्रेप्स में, क्योंकि वहां पे शुगर कंटेंट कम है, शुगर के पार्टिकल्स कम है, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ग्रेप्स में शुगर कैसे होता है, अरे भाई होता है, C12H22O11 ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मिलेगा, तो ज़्यादा उसकी टेंशन नहीं ली। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं तो शुगर सिरप में कुछ इस तरीके से ये शुगर के पार्टिकल्स, ठीक है, और ग्रेप्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वाटर कौन है यहाँ, मतलब सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो यहाँ सॉल्वेंट कैसा होगा शुगर सिरप में, कम, और ग्रेप्स में सॉल्वेंट कैसा हो गया, ज़्यादा, तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। लेकिन अगर हम आपसे बोलेंगे भाई सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए ज़रा कि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ है, तो आप बोलोगे शुगर सिरप में सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है और ग्रेप्स के अंदर सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। और अगर हम सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये बोलेंगे जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम में वहाँ से वो कहाँ मूव कर रहा है, जहाँ पे सॉल्वेंट कम है पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। तो बताओ ये क्या हो गया, फिर से ये ऑस्मोसिस हुआ और धीरे धीरे जैसे अभी अर्थवॉर्म बेचारा सिकुड़ गया था, श्रिंक होकर उसकी डेथ हो गई थी, वैसे ये ग्रेप्स जो आपने डाले हैं या एक टुकड़ा आपने ग्रेप्स का डाला ये श्रिंक हो जाएगा, ऐसा छोटा हो जाएगा, क्योंकि वाटर कंटेंट तो निकल गया। और यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कौन करेगा, जो ये ग्रेप की आउटर लेयर होगी, ठीक है, आपने कभी अंगूर छीला भी होगा ऐसे करके, तो जो ऊपर से जो छिलका उसका उतरता है वो क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगा, जो वाटर पार्टिकल्स को अलाउ करेगा बाहर की तरफ और ये श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस भी आपका जो है श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स कैप्टन थिक शुगर सिरप भी क्या है, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस के थ्रू ये प्रोसेस होता है। उसके बाद ई प्रिजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट, ठीक है, कह रहा है कि अचार जब बनाते हैं तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए खूब सारा नमक डाल के रखा जाता है, ऐसा क्यों। तो देखिए अभी आप क्लास 10th में पहुंचोगे तो आप एक टॉपिक पढ़ोगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि अचार में जो मतलब जैसे मान लीजिए आपने आम का अचार बनाया, ठीक है, तो जो कच्चे आम है उसमें वाटर कंटेंट होता है, तो एक आम का टुकड़ा बना लेते हैं हम पहले, ठीक है, सपोज ये आम है, अब इसमें वाटर कंटेंट है। देखिए अगर आप इस वाटर कंटेंट को रहने देंगे ना अंदर, समझिए ना, इस वाटर कंटेंट को अगर आप रहने देंगे तो इस वाटर कंटेंट की वजह से या इस नेचुरल वाटर, अरे भाई आम में पानी होता है अंदर भाई, इतना तो पता होगा आपको, ठीक है, नेचुरल वाटर जो होता है, इस नेचुरल वाटर की वजह से अगर ये रह जाए आम के टुकड़े में, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और उसकी वजह से स्मेल आने लगती है, आप क्लास 10th में पढ़ोगे, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसमें से अजीब टाइप की स्मेल आने लगेगी, ठीक है। और एक बात मैं आपको थोड़ा सा और जहां तक मैं समझता हूँ बताना चाहूँ, तो देखिए
अगर अंदर वाटर कंटेंट अवेलेबल है तो इसका ऑक्सीडेशन मेरे ख्याल से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कराएंगे, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते, वो इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, क्योंकि आप आगे जाके पढ़ोगे बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडेशन कराने का काम करते हैं, ठीक है। तो उनको वाटर मिलेगा, उस वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन का काम करने लगेंगे। तो अब माइक्रोब्स यहाँ अटैक कर देंगे बिकॉज उनको ऑक्सीडेशन करने का मौका मिल गया, तो उनका खाना पीना चलेगा वहाँ से। तो इस जो आम का टुकड़ा है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब चाहे किसी भी कारण से हुआ, माइक्रोब्स की हेल्प से या एनवायरनमेंट में किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से, इसका जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो इसमें से स्मेल आने लगेगी, ठीक है। और स्मेल आने लगेगी तो वह ख़राब हो जाएगा, फिर खाने लायक नहीं रहेगा। तो आप क्या चाहते हो कि इसके अंदर वाटर कॉन्टेंट कम से कम रहे, क्योंकि इसी वाटर कॉन्टेंट की वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा होगा तो ये ख़राब हो जाता है। तो इसके अंदर से वाटर कॉन्टेंट हटा दीजिए। अब कैसे हटाएंगे वाटर कॉन्टेंट इसके अंदर से? हमने इसको खूब सारा नमक डाल के इसको रख दिया, ये देखिए इसको नमक, हम इसमें नमक का छिड़काव कर देते हैं। जब ऐसा आप कर दोगे तो अब मुझे बताइए वाटर कंटेंट किधर ज़्यादा, आम के अंदर या जो भी आपने अचार बनाया, मुझे नहीं पता, आम का तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो वाटर यहाँ ज़्यादा आम के अंदर और बाहर कम, क्योंकि बाहर सॉल्ट डाल के रखा है, तो वाटर सॉल्वेंट है वो यहाँ से यहाँ ऐसे फ्लो करेगा और आम की जो लेयर होगी या जो भी आपने जिस भी फ्रूट का आपने अचार बनाया है, पिकल बनाया है, जो भी पिकल है, तो उसका जो लेयर होगा वो कैसा काम करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। तो इस तरीके से देखिए आप सॉल्वेंट मूव कर रहे हैं लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो ये किसका प्रोसेस हो गया? ये हो गया आपका प्रिजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट इज द प्रोसेस थ्रू व्हाट? ऑस्मोसिस, ठीक। उसके बाद एफ कह रहा है स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बींग बेक्ड थ्रू आउट द हाउस, ये तो बहुत ईजी है, केक बनाया उसकी स्मेल आ रही है, तो वही जो खाने वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो ये किसका एग्जांपल है? डिफ्यूजन का। हायर कॉन्सेंट्रेशन से पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे स्मेल कर, जो भी जिसकी वजह से भी स्मेल आ रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो ये तो बहुत ईजी है। तो ये हो गया आपका किसका? डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो जी है आपका, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो ध्यान से देखिए, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, ठीक है। तो एक हम फिश बना लेते हैं यहाँ पे अपने समझने के लिए, तो ये हमने एक फिश बना ली, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, आपने पढ़ा होगा कि ये फिश या कोई भी एक्वेटिक एनिमल है तो जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है इससे अपना रेस्पिरेशन करते हैं लोग, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। तो ये ऑक्सीजन यहाँ कैसे आती है? ये ऑक्सीजन आती है आपके एयर से, ठीक है। तो यहाँ एयर है और एयर में मेरे ख्याल से लगभग कितना 28% ऑक्सीजन होती है, लगभग शायद नहीं 21%, ओके चलो। तो कुछ भी हो यहां पे देखिए, अभी वाटर मान लीजिए, हाँ यहां पे वाटर है, ठीक है, और यहां पे 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहां अभी मतलब जब भी ये पानी बना होगा, हमें नहीं पता, जब भी इस पानी का जन्म हुआ होगा, ठीक है, तो उस टाइम इसमें ऑक्सीजन नहीं रहा होगा, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एयर में ज्यादा है, तो ऑक्सीजन यहां से कहां फ्लो करेगी? वाटर में। बात समझ में आई? तो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स एयर से कहाँ फ्लो कर रहे हैं? वाटर में। और फिर क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स इसको यूज़ कर लेते हैं, तो फिर से पानी में कॉन्सेंट्रेशन कम होती रहती है और ऊपर से ऑक्सीजन का फ्लो नीचे वाटर में होता रहता है। मतलब ऑक्सीजन का फ्लो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ होता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, आपको दिख रहा है, तो बताइए ये कौन सा प्रोसेस है? और यही ऑक्सीजन ये एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ कर लेते हैं, तो बताइए कौन सा प्रोसेस है? ये डिफ्यूजन है, ठीक है। यहाँ कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो आपको दिख नहीं रही है, तो ये क्या हो गया आपका? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है, कर लीजिए। अब देखिए ये यहाँ पे डाउट है, कहना है कि पर वाटर का फॉर्मूला तो H2O होता है और उसमें तो ऑक्सीजन और होता है हाइड्रोजन, तो बाहर से वो ऑक्सीजन क्यों ले रहा है? भाई ये वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, यहाँ पर ऑक्सीजन रहा कहाँ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर एक नया पार्टिकल बना लिया जिसको वाटर का पार्टिकल बोला जाता है, ना इसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी मतलब रहती है, वो तो जब हम इसको डिसोशिएट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करके तब, ठीक है। तो अब ना प्योरली इसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, ना हाइड्रोजन, कुछ नया ही बन गया जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम वाटर का मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में फ्री थोड़ी ना है, ठीक है ना, वो और यहाँ एयर से क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है ना फ्री फॉर्म में, ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, इस तरीके से करोड़ों लाखों अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ है, जब आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। और मेरे ख्याल से तो ये सब चैप्टर पहले पढ़ा दिया जाता है, इस मैटर अराउंड अस प्योर, और ये सब नहीं पढ़ाना चाहिए, पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाना चाहिए, फिर ये सारे चैप्टर लगाने चाहिए, तो और क्लियर होगा बच्चों को, एटम मॉलिक्यूल्स पता नहीं रहता और मैटर, चलो कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि वाटर एज आइस हैज कूलिंग इफेक्ट, वेयर एज वाटर एज स्टीम में कॉज
सीवियर बर्न्स, ठीक है, कह रहा है कि जब वाटर एज अ आइस के फॉर्म में होता है, ये तो सबको पता ना, वाटर आइस के फॉर्म में भी रह सकता है, उसकी स्टीम भी बन सकती है जब आप उसको गर्म करोगे, बहुत हीट दोगे, तो तीनों फेज में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। कह रहा है कि जब ये आइस के फॉर्म में होता है तो कूलिंग इफेक्ट देता है, मतलब आप उसको टच करते तो आपको ठंडा लगता है, लेकिन अगर स्टीम आ जाए, वाटर का स्टीम अगर आपके हाथ पर कहीं पड़ जाता है तो वो बहुत बुरी तरीके से जला सकता है आपको। कह रहा है कि एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस, ये जो ऑब्जर्वेशन आप देखते हो डेली लाइफ में कि आइस आपको ठंडा लगता है टच करने पर और स्टीम सीवियर बर्न दे देता है, तो इन ऑब्जर्वेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सुनिए, एक्चुअल में क्या होता है कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो H2O होता है। क्या होता है? H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ठीक। मॉलिक्यूल को छोटे छोटे स्फीयर से दिखाएं, ये देखिए वो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये 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 वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये सब वाटर के मॉलिक्यूल हमने आपको दिखाए। अब वाटर जब लिक्विड के फॉर्म में रहता है, ठीक है, या हम बोले पहले तो वाटर जब गैस के फॉर्म में रहता है, आप ऐसे समझ लो, किधर से चलें, चलो लिक्विड से ही चल लेते हैं। वाटर जब लिक्विड के फॉर्म में रहता है तो आपको पता है कि इतना तो आप पढ़ के आए होंगे कि भाई जो सबसे अच्छा अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, वाटर के पार्टिकल्स का, वो कौन सी स्टेट में होता है? आइस में। मतलब सबसे ऑर्डर्ड मैनर में ये कहाँ रहते हैं? आइस में। आइस में ऑर्डर्ड मैनर में होंगे। ऑर्डर्ड मैनर में होने का ये मतलब है कि देखिए यहाँ हमने वाटर लिखा और यहाँ हमने स्टीम लिखा। सिंपल शब्दों में बोले तो यहाँ पार्टिकल पास पास होंगे, यहाँ थोड़े से दूर दूर होंगे और यहाँ तो बहुत दूर होंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्स यहाँ पर, फिर उससे कम इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इंटरमॉलिकुलर फोर्स मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, और सबसे कम इंटरमॉलिकुलर फोर्स यहाँ, तभी तो ये रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पता है सबसे कम एनर्जी कहाँ होती है? यहाँ पर सिस्टम के पास। ये सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? सिस्टम पार्टिकल से मिलकर बना है, वाटर के पार्टिकल से। अरे जो आइस का टुकड़ा है यही सिस्टम है, और जो पानी हमने आपको थोड़ा सा दिया यही सिस्टम है, और ये बना किससे? H2O से। इन्हीं मॉलिक्यूल वही है H2O, बस उसके रहने का तरीका अलग अलग है। आइस में जब आप देखोगे तो वो पास पास होंगे मॉलिक्यूल्स, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होगा। वाटर में देखोगे मॉलिक्यूल्स वही हैं, दूर दूर रह रहे हैं, ठीक है, और गैस में मतलब स्टीम फॉर्म में और दूर दूर हो रहे हैं। तो सुनो, ये दूर दूर कैसे जाते हैं? तो जवाब है, इनको दूर दूर कराया जाता है। कैसे दूर दूर कराया जाता है? एनर्जी देके। क्या देके? एनर्जी देके। देखिए एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मैं आपसे अभी पूछूं इन तीनों में से सबसे स्टेबल कौन है? आइस। स्टेबल मतलब आराम से जिस फॉर्म में उसको आइस जमा दी गई वैसे वो बेचारा बैठा हुआ है, ये देखो आइस का ये टुकड़ा है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे आइस का स्ट्रक्चर। आइस का स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमने क्लास में भी शायद इस पे किसी चैप्टर में चर्चा करी। केज लाइक स्ट्रक्चर मतलब जैसे आपने पिंजड़ा देखा है ना, पिंजड़ा, तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे इसके स्ट्रक्चर को, तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। और केज लाइक स्ट्रक्चर से मेरा तात्पर्य ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। वेल डिफाइंड अरेंजमेंट का मतलब ये छितर बितर नहीं है, ये पिंजड़े जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, निश्चित स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये इधर उधर होते हैं सब, और ये तो पता नहीं इधर उधर और होते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी वहाँ होगी जहाँ पर मॉलिक्यूल्स किसी वेल डिफाइंड अरेंजमेंट में अरेंज हों, किसी वेल डिफाइंड अरेंजमेंट में अरेंज हों। और सुनिए, जहाँ पर वेल डिफाइंड अरेंजमेंट मिलेगा वो सिस्टम वेरी स्टेबल होगा, बहुत स्टेबल होगा। और जब कोई सिस्टम स्टेबल होता है तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में होता है। किस में होता है? वो लोअर एनर्जी स्टेट में होता है। हमेशा याद रखिए क्या, कि जैसे आपकी लाइफ है, अब आप स्टेबल हो गए, मान लो जब आप स्टेबल है तो आपको टेंशन कम होगी ना, ऐसे सोच लो आप। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, बढ़िया से आप सेटल्ड हो, अच्छी जॉब है, ठीक है, रुपया है, पैसा है, बढ़िया आराम से रह रहे हो, टेंशन कम है आपको, ठीक है ना। टेंशन मींस एनर्जी, सोच लो यहाँ, टेंशन मींस एनर्जी, टेंशन कम है मतलब आप लोअर एनर्जी स्टेट में हो। और जब अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, इधर उधर सब घूम रहे हैं जॉब के लिए, परेशान हैं, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो उस टाइम टेंशन आपका हाई है, यानी कि आप हायर एनर्जी स्टेट में हो, ठीक है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा सिस्टम स्टेबल है? आइस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर एनर्जी कैसा होगा? लोअर एनर्जी स्टेट में। और एक बात बताऊँ, होता ही ऐसा है। देखिए मान लीजिए लोहा है, लोहा, आयरन जो होता है, आयरन को अगर आपने मेल्ट कर लिया खूब किसी फर्नेस में ले आके, हाई टेम्परेचर खूब दिया, उसको खूब हीट दी, मेल्ट हो गया, वो लोहा भी पिघल सकता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब आप उसको छोड़ दो ठंडे होने के लिए, अपने आप फर्नेस बंद कर दो, चूल्हा जिसमें उसको आपने मेल्ट किया है उसको आप बंद कर दो, वो धीरे धीरे जब ठंडा होता है, तो जब लोहा धीरे धीरे ठंडा होगा, जो मेल्टेड लोहा है वो धीरे धीरे रीशेप लेता है, मतलब उसके जो आयरन के
पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, और जब रीअरेंज करते हैं तो वो हीट को बाहर निकालते हैं धीरे 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 धीरे। और हीट को बाहर निकालने का क्या मतलब है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं। और आइस में भी तो यही होता है, पानी को आप कहाँ रखते हो, रेफ्रिजरेटर में। और आइस, अगर हम वाटर को ऐसे ही छोड़ दें तो अपने आप हीट नहीं निकल जाएगी, आपको एक वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट से करवाना पड़ता है। और वो एक्सटर्नल एजेंट कौन है, रेफ्रिजरेटर, उसका अलग मैकेनिक्स है, वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे। तो वो इस वाटर में से हीट को निकालता है, उसका जो कंप्रेसर होता है उस पर वर्क करके हर एक साइकिल में हीट को निकालता, हीट को निकालता। तो फाइनली आप बताइए, वाटर से हीट निकल तो रही ना, चाहे वो खुद निकाल दे, खुद तो निकाल नहीं सकता क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है नहीं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद से हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस, जिनको कराने के लिए आपको बाहर से कुछ वर्क डन या एनर्जी सप्लाई करनी पड़े। तो आपने इसको रेफ्रिजरेटर में रखा तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, बट फाइनली हीट इसमें से ऑटोमेटिकली कह रहा हूँ, हीट इसमें से निकाली गई, चाहे किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा ही क्यों नहीं। तो आप ध्यान से चेक करिए यहाँ पर ये कैसा है, ये है लोअर एनर्जी स्टेट में, लोअर एनर्जी स्टेट में। और सबसे हायर एनर्जी स्टेट में कौन सा है बताइए, स्टीम, करेक्ट, ये है। तो सबसे पहली बात तो आपको यही पता होनी चाहिए कि स्टीम कैसा है हायर एनर्जी स्टेट में। सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, स्टीम लिख दिया, मेरे को क्या लिखना चाहिए यहाँ, हायर एनर्जी, हाईएस्ट बोलना चाहिए मुझे बल्कि, है ना। अच्छा, इससे कंपेयर करेंगे तो हायर, ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट, और वाटर इनके बीच में होगा। हाँ, तो ये पहले, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए लोअर एनर्जी स्टेट और ये हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। और कोई पूछेगा क्यों, तो इसको रख के आपने कहीं रेफ्रिजरेटर में इसका हीट थोड़ी ना निकाला, इसको तो तुमने हीट दिया है। वाटर को तुम जब बॉइल करते हो तो उसको हीट देते हो, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ता तो हीट तो इसको लगातार दे रहे हो, तब जाके कहीं स्टीम बना, तो इससे तो हीट लिया है, तो उसका एनर्जी तो बहुत हाई है, और इसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, तभी तो ये रेंडमली इधर उधर खूब भाग रहे हैं, और इसके पार्टिकल नहीं भाग पा रहे हैं, बाउंडेड हैं, क्योंकि हीट उसमें से निकाल लिया तुमने, उसका एनर्जी कम कर दिया, उसका काइनेटिक एनर्जी कम है, वो चल नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना के बैठे हुए लोअर एनर्जी स्टेट में। तो ये हमको पहले तो पता चल गया। अब एक बात बताइए, आपने कभी गर्म चाय में हाथ डाला है, गया होगा, जैसे लगता है कि बोलते हैं हम गर्म हैं, वो जो गर्म है आप बोलते हैं वो क्या होता है, वो पार्टिकल्स आके बहुत तेज़ी से हीट करते हैं आपको, उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है, जो चाय में जो भी आपका सॉल्यूशन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आके आपको टक्कर मारते हैं आपकी उंगली को बहुत तेज़ी से, तो आप बोलते हो गर्म है, उसको नाम आपने क्या बोल दिया, गर्म है। जैसे अगर हम आपको पत्थर मारे आपकी उंगली पे तो आप बोलोगे पत्थर लग गया। अब पत्थर तो काफ़ी बड़ा है तो आपको समझ में आता है, पार्टिकल भी तो आके लग सकता है ऐसे टक से आके ऐसे लगेगा, तो पार्टिकल भी तो लग सकता है, तो पार्टिकल जो चाय है वो गर्म है, गर्म होने का मतलब उसमें आपने हीट दे रखी है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा है, और वो उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से आके बहुत तेज तुमको हिट करते हैं, तो जो चोट लगती है उसी को हमने नाम क्या दे दिया, हॉट है, गर्म है, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप स्टीम पे हाथ ले जाओगे, ठीक है, तो एक बात बताइए, आपने अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट उसको भी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, जब स्टीम पे हमारा हाथ अगर गलती से चला गया, और आपने पढ़ा भी होगा कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर होता है उसके कंपैरिजन में 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में ज़्यादा हीट होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है, लेटेंट हीट भी होता है यहाँ पे, है ना, वो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसको छोड़ो। तो बात ये है कि जब ये स्टीम हमारे हाथ पे पड़ता है किसी भी तरीके से, हमारा हाथ इस स्टीम को एक्सपोज होता है, एक्सपोज टू दिस स्टीम, तो ये पार्टिकल्स आके क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से हिट करते हैं, और वही जो चोट लगती है उसी को आप क्या बोलते हो, कि गर्म हो गया, इतना तेज हिट करता है कि आपकी स्किन को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए सीवियर बर्न्स हो जाते हैं। और आपको स्टीम कैसा लगता है, गर्म लगता है। अब ये देखो जरा, आइस में आ जाओ, आइस को आपने हाथ पे लिया, अब बताओ क्या आइस हीट निकालेगा कि हीट लेगा कहीं से, लेगा, उसके पास एनर्जी की कमी है, हालांकि वो ठीक है, हालांकि ऐसा ही रहे तभी वो स्टेबल है, पर फिर भी जब आप उसको हाथ पे लेते हो, सपोज मैंने इसको हैंड पे लिया, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर किसका, आपके हैंड का, तो यहाँ से हीट कहाँ फ्लो करेगी, और जब ये हीट फ्लो करेगी तो केज लाइक स्ट्रक्चर को वापस से ब्रेक करना शुरू करेगी, जो केज लाइक स्ट्रक्चर बना था वाटर के मॉलिक्यूल्स का, वो ब्रेक होगा और मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे पानी में तब्दील होने लगेगा, बस समझ में। अब आपने यहाँ पर क्या देखा, जब आपने इसको हाथ पे लिया तो हीट आपके हाथ से बाहर जा रही है ना, तो आपके हाथ का टेम्परेचर कैसा होगा, नीचे, मतलब कम होना शुरू होगा, जैसे पहले था उतना तो नहीं रहेगा, मान लो पहले आपका हाथ का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 तो नहीं, जितना भी कितना होता है बॉडी का, ठीक है, कितना, 35 डिग्री सेल्सियस, नहीं ये कितना होता है, 98, लेट मी चेक इट, वो फेरनहाइट का ही लफड़ा है ना,
मेन तो हमको उसमें मेरे को चेक करना है डिग्री सेल्सियस में। ओके फ़ारेनहाइट तो हमको पता ही है कि 98.6 होगा, 37.2 है ना। तो आपका मान लीजिए हाथ का टेम्परेचर है 37.2 होता है, वैसे तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में बात कर रहा हूँ मैं, फ़ारेनहाइट में नहीं। फ़ारेनहाइट में तो आपका होगा कितना, 98.6 के आसपास होता है, तो वो नहीं। ठीक है, तो ये 37.2 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो अब आपका हाथ का टेम्परेचर सपोज 37 से घट के कितना हो गया, 30 हो गया मान लो। तो क्या हुआ, हीट हायर टेम्परेचर से कहाँ गई, लोअर टेम्परेचर की तरफ, क्योंकि आइस का टेम्परेचर शायद कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपका हाथ कहाँ पे है, 37.2 डिग्री सेल्सियस पे, आइस कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू, रूल है ये, हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आपके हाथ का टेम्परेचर पहले 37.2 था, अब कितना हो गया, 30। तो आपके हाथ से हीट बाहर गई है, तो आपको जो फील होता है वो हम क्या बोलते हैं कि ठंडा लग रहा है। कोई डाउट है बताइए। अब देख लीजिए एग्जाम में क्या लिखना है, हम लिखेंगे एग्जाम में, इन केस ऑफ आइस द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव लो एनर्जी, वाइल इन द केस ऑफ स्टीम द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव हाई एनर्जी। ठीक है ना, पहले ये बताएंगे कि भाई जब वाटर आइस के फॉर्म में रहता है तो लो एनर्जी के फॉर्म, लो एनर्जी होती है वहाँ पर, और जब स्टीम के फॉर्म में होता है तो हाई एनर्जी। ये बात हमने लिखी, ये बात हमने आपको पहले समझाई थी। अब हमको आगे लिखना है कि द हाई एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन स्टीम इज ट्रांसफॉर्म्ड एज हीट। जब आपका हाथ कहाँ पड़ता है, स्टीम के ऊपर, तो स्टीम में जो हीट एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कहाँ, आपके हैंड में, क्योंकि इस बार टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, स्टीम का, और आपके हाथ का टेम्परेचर रादर देन स्टीम कम है, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो यही बात हमने लिखी क्या, कि द हाई एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन स्टीम इज ट्रांसफॉर्म्ड एज हीट। ये जो हाई एनर्जी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के पास स्टीम में, ये हीट के फॉर्म में, क्योंकि एनर्जी तो बहुत सारे फॉर्म में होती है, लाइट के फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये हीट के फॉर्म में हमारे को मिलती है, और इट मे कॉज सीवियर बर्न्स, और ये हमारे हाथ को डैमेज भी कर सकती है, जला देगी बुरी तरीके से। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ आइस द वाटर मॉलिक्यूल्स टेक एनर्जी फ्रॉम द बॉडी एंड दस गिव अ कूलिंग इफेक्ट। ये मैंने आपको समझा दी बात, हमारी बॉडी से हीट लेता है आइस, और हमको क्या लगता है, कूलिंग इफेक्ट। नोट कर लीजिए। नंबर 19, अलका वॉज मेकिंग टी इन अ केटल, सडनली शी फेल्ट इंटेंस हीट फ्रॉम द पफ ऑफ स्टीम गशिंग आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ द केटल। स्पाउट मतलब टोटी, ये जो केटल होगी इसकी, लेट अस अज्यूम ये केटल है, और इसकी जो टोटी है केटल की, ये देखिए, ठीक है, यहाँ से ये गर्म चाय होगी इसके पास, यहाँ से क्या हो रहा है, ये पफ का मतलब समझते हो, पफ का मतलब ये जो, ये आपको जो स्टीम दिखता है, दिखता भी होगा आपको, कभी भी नज़र आता होगा, इसी को उन्होंने पफ बोला है। पफ ऑफ स्टीम का मतलब यही है, कश इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, गशिंग आउट मतलब बाहर आना, तो यहाँ से ये जो स्टीम बाहर आ रही है, ठीक है, तो इसकी बात करी जा रही है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि शी वंडर वेदर द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम वॉज हायर देन दैट ऑफ द वाटर बॉइलिंग इन द केटल, कॉमेंट। उसके हाथ पे ये जब स्टीम लगी होगी, अलका के हैंड पे, ठीक है, अब उसको बहुत गर्म लग गया, यहाँ पे लगी उसके हाथ पे, अब जब उसको बहुत गर्म लग गया तो उसने क्या सोचा, उसके मन में, सपोज वो साइंस के स्टूडेंट है, अब उसके मन में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि स्टीम का टेम्परेचर केटल में अंदर रखी हुई चाय से ज़्यादा है, ऐसा उसने सोचने लगा, मतलब ऐसा वो सोच रही है। कह रहा कमेंट करो, कमेंट करने का मतलब जरा इस पर कुछ डिस्कशन करो। तो जवाब सुनिए, जवाब ये है कि आपने पढ़ा है कि 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग वाटर भी होता है और 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम भी होती है, मतलब बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है और स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, स्टीम में। क्यों, ड्यू टू वॉट, हीट ऑफ वेपराइजेशन। याद होगा, आइए मैं आपको एक बार फिर से ग्राफ रिवाइज कराता हूँ। द ग्राफ इज बिटवीन टाइम, ये देखिए टाइम एक्सेस है, ये टाइम चल रहा है, ठीक है, और ये आपका टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करें यहाँ ब्लू मार्कर से, देखिए अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस रखी हुई है, ठीक, टाइम गुजरता जा रहा है, आप, मतलब ये कोई कंटेनर है और इसमें आइस के टुकड़े रखे हुए हैं, आप इसको बर्नर से गर्म कर रहे हो, टाइम गुजरता जाएगा, अभी टेम्परेचर कितना दिखाएगा, वो 0, कब तक, जब तक पूरा आइस वाटर में नहीं चेंज हो जाता। ये देखिए अभी 0 0 0, तो ग्राफ ऐसे चलता रहेगा, टाइम एक्सेस कहलाऊँ ये,
सपोज इस टाइम पे, टाइम टी वन पे, अभी टेम्परेचर क्यों जीरो दिखा रहा है? क्योंकि दी गई हीट, मैंने बोला है हीट एक टाइम में एक ही काम कर सकती, या तो वो स्टेट को चेंज करेगी और या तो वो टेम्परेचर को चेंज करेगी। तो अभी अभी दी गई हीट, जो बर्नर से आप हीट दे रहे हो इस फ्लास्क में, वो क्या काम कर रही है? वो स्टेट को चेंज कर रही है, मतलब आइस से, आइस के जो केज लाइक स्ट्रक्चर उसके बॉन्ड को तोड़ के क्या बना रही है? वाटर बना रही है। ठीक, तो सारी हीट उसमें चली गई। अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते 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 कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ये ग्राफ ऐसे चढ़ जाएगा, इतने समय में ग्राफ ऐसे चढ़ गया। भाई समय बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, तो समय टेम्परेचर, समय टेम्परेचर, समय टेम्परेचर आता है करना ग्राफ। ठीक है, अब मुझे बताओ इस टाइम पे, ये वाला जो टाइम होगा, टाइम टी टू पे अब ये ग्राफ ऐसे चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक पूरा वाटर किस में नहीं चेंज हो जाएगा, स्टीम में, तब तक टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। तो देखो जरा, अगर आप टाइम आगे बढ़ाते रहो तो इस टाइम पे भी टेम्परेचर कितना है? 100। इस टाइम पे भी टेम्परेचर कितना है? 100। इस टाइम पे भी टेम्परेचर कितना है? 100। थोड़ा सा नीचे करो उसके सामने। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। तो यहाँ पे स्टीम बन रही है कि नहीं बन रही है? और स्टीम का टेम्परेचर भी कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप ध्यान दीजिए जरा कि जैसे ही, मतलब टाइम T1 से T2 के बीच में जो आप हीट दे रहे थे वो टेम्परेचर राइज कर रहा था, लेकिन टाइम T2 के बाद जो आप हीट दे रहे होंगे वो क्या कर रहा है? फेज चेंज कर रहा है। तो फेज चेंज कर रहा है, सोचो फेज चेंज करने का मतलब क्या, कि वाटर जो था 100 डिग्री सेल्सियस वाला, उससे क्या बन रही है? 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बन रही है। अरे भाई एक बात बताओ, एनर्जी कौन लेके गया? एनर्जी ये वाटर के पार्टिकल ही तो लेके गए हैं ना, है ना? और ये अब यहाँ पे आपको ऐसा स्टीम के फॉर्म में दिख रहा है, तो एनर्जी तो इन्हीं लोगों ने ली है ना, है तो इन्हीं के पास ना एनर्जी। तो सारी एनर्जी जो स्टेट को चेंज करने में लगी थी, जो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही थी, अब वो एनर्जी कहाँ है? इनके पास है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का जो बॉइलिंग वाटर है उसके पास कम एनर्जी होती है, और 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम वाला पार्टिकल है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। क्योंकि देखिए, जो पार्टिकल अभी अंदर है ना, अभी उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं हुई है कि वो इसको छोड़ के जा पाए। जब उनको पीछे से और हीट मिलेगी बर्नर से, तो उनका काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा हो जाएगी कि वो छोड़ के ऐसा ऊपर चले जाएंगे। मतलब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला लेयर है, इस लेयर का अपोज करके, इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाएंगे, कह सकते हो आप ऐसा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और अब अगर आप अपना हाथ यहाँ पे लेके आओगे तो ये बहुत तेज़ी से हीट करेगा। मतलब अगर हम टेम्परेचर मेजर कर लें तो आपको बॉइलिंग वाटर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा और स्टीम का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, लेकिन स्टीम में ज़्यादा हीट होता है ड्यू टू वॉट? हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको याद होगा, हमने क्लास में पढ़ाया है, हीट ऑफ वेपराइजेशन का ये मतलब होता है कि अगर हम 1 ग्राम लिक्विड ले लें, कितना? 1 ग्राम लिक्विड को टोटली गैस में चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ वेपराइजेशन। बात समझ में आई कि नहीं? तो बस यही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन शब्द का यहाँ इस क्वेश्चन में आपको यूज़ करना है। तो सोचिए, वो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी गई होगी वाटर के पार्टिकल्स को, वो इसमें छुपी हुई है, पार्टिकल्स में है अभी भी, तो इसकी एनर्जी तो ज़्यादा है, टेम्परेचर सेम चीज दिखाएगा, 100-100 दोनों। तो ये जो सोच रही थी आशा या अलका, जो भी नाम है इनका, कि स्टीम का टेम्परेचर हायर है, तो ये गलत सोच रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, बॉइलिंग वाटर और स्टीम दोनों का ही टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम इसलिए उसके हाथ को बहुत तेजी से बर्न कर रही है, जला रही है, उसे इसलिए कष्ट हो रहा है क्योंकि इस स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से ज़्यादा एनर्जी है इनके पार्टिकल्स में। तो हम आंसर क्या लिखेंगे एग्जाम में? बस सिंपल सा आंसर है, द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम इज 100 डिग्री सेल्सियस, बट द स्टीम हैज़ मोर एनर्जी बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे, अगर आपको और पढ़ना है तो जाके पहले चैप्टर अच्छे से पढ़िए, मैं कई बार आपको बोलता हूँ, तब चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा ग्लास ऑफ टम्बलर कंटेनिंग हॉट वाटर। ठीक है, तो आपने क्या किया, अ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग हॉट वाटर, एक ग्लास में, ग्लास टम्बलर में हॉट वाटर है, इज केप्ट इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, फ्रीजर कंपार्टमेंट आप इसको लगा के रख दिया, जहाँ का टेम्परेचर क्या है? लेस देन जीरो। मतलब उस फ्रीजर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर नेगेटिव है, -2 डिग्री या -4 डिग्री कुछ होगा, जीरो से कम। ठीक, कह रहा है कि If you could measure the temperature of the content of tumbler, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका हो कि आप फ्रिज के अंदर बैठे हों, let us assume रेफ्रिजरेटर में, और थर्मामीटर लगा के बार बार रीडिंग ले रहे हों,
तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द चेंज इन द टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इनमें से कौन सा ग्राफ होगा जो ये बता रहा है कि टेम्परेचर किस तरीके से टाइम का फंक्शन होगा, मतलब टेम्परेचर टाइम के चेंज होने के साथ साथ किस तरीके से चेंज होगा। ठीक है, तो अब सोचना शुरू करिए। जो हॉट वाटर आपने रखा था, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए ग्राफ बना रहे हैं, अभी अपने आप आंसर मिल जाएगा। ये टाइम एक्सेस है, ठीक, और यहाँ पर क्या चल रहा है वाई एक्सेस पे, टेम्परेचर। ठीक है, अब हॉट टेम्परेचर, हॉट वाटर आपने रखा है, तो भाई एक बार बताओ उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो जवाब है हमें नहीं पता कितना होगा, लेकिन हाँ जीरो तो नहीं होगा, मतलब ये जीरो डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, तो जीरो डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही तो होगा। तो यानी कि टाइम टी इज़ इक्वल टू जीरो पर जब तुमने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा तो उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। ठीक, अब जब तुमने फ्रीजर में रख दिया है तो है क्या, ध्यान से चेक करो हुआ क्या है एक्चुअल में। यहाँ पे बताता हूँ, ये फ्रीजर का कंपार्टमेंट है मान लो, ठीक, और ये तुम्हारा पानी रखा हुआ है। तो फ्रीजर का जो कंपार्टमेंट है, तो ये जो फ्रीजर की जो दीवारें होंगी, यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, लो टेम्परेचर, क्यों भाई, वो कितने कंपार्टमेंट कितने डिग्री सेल्सियस पे, लेस देन जीरो पे, लेस देन जीरो पे, तो यहाँ का टेम्परेचर कम है। और तुम्हारे हॉट वाटर का टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा, तो हॉट वाटर हाई टेम्परेचर पे, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, हाई। हॉट वाटर का ग्लास थोड़ा बड़ा बनाओ यार, ये टेम्परेचर हाई है, और यहाँ पर कंपार्टमेंट में टेम्परेचर कैसा है, लो है, हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो, ठीक। तो यहाँ से हीट ऐसे फ्लो करेगी, और जब हीट ऐसे यहाँ से फ्लो करेगी 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 करेगी, ठीक है, अब मान लो तुम्हारा पानी रखा है कितने पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे रखा है मान लो, अरे 30 पे मान लो यार लो, तो ये 30 डिग्री, देखो जब यहाँ से हीट फ्लो करेगी तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा, फॉल करेगा, सही बात है कि नहीं, 30 से कम होगा, 29, 28, 27 ऐसे कम होता रहेगा, 20 पहुँचेगा, फिर 15 पहुँचेगा। तो आप क्या देख रहे हो, समय के साथ साथ टेम्परेचर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। एक्चुअल में हीट इसलिए फ्लो कर रही है यहाँ से यहाँ, ताकि दोनों क्या किस में आ जाएँ, इक्विलिब्रियम में आ जाए, जो इस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर है वही इसका हो जाए टम्बलर का। तो हीट ऐसे फ्लो कर रही है, इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ बनाओ, इस टेम्परेचर, इस टाइम पे जब टाइम आपका थोड़ा सा बढ़ा, तो इस टाइम पे आपको टेम्परेचर इससे कम मिलेगा, नहीं समझे, तो इस टाइम पे आपको यहाँ कहीं टेम्परेचर मिलेगा, तो ये पॉइंट मिला, ठीक है, फिर इस टाइम पे आपको टेम्परेचर यहाँ मिलेगा, ठीक, फिर इस टाइम पे टेम्परेचर आपको यहाँ मिलेगा। और मान लो कि ये गिरते 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 गिरते, तो ये सब पॉइंट मिले आपको, ये वाला जो टाइम है इस टाइम पे आपका टेम्परेचर जीरो हो गया इसका, थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर कितना हो गया इसका, अब 30 से कितना पहुंच गई, जीरो पे। लेकिन ध्यान दीजिए जरा, पता है अब क्या होगा, अभी भी ये पानी, ये जीरो डिग्री सेल्सियस का वाटर है, अब टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, अब स्टेट चेंज होगा। पहले स्टेट नहीं चेंज हो रहा था, वो पानी ही था, पानी था, 30 डिग्री का पानी था, फिर 25 डिग्री सेल्सियस का पानी था, फिर 20 का था, फिर 15 का था, तो पहले टेम्परेचर डाउन हो रहा था, और टेम्परेचर डाउन हो रहा था तो स्टेट नहीं चेंज हो रही थी, पानी का पानी था, पहले 30 डिग्री का पानी था, फिर 25 का। और एक बात बताऊं, सुनो, यहां हीट दी नहीं जा रही है, यहां हीट ली जा रही है। तो चाहे दी जा रही हो चाहे ली जा रही हो, हीट एक टाइम में एक ही काम करती, चाहे वो दी जा रही हो चाहे वो ली जा रही हो। तो अभी जो ये ली जा रही है, ली कैसे जा रही है, आपने एक्सटर्नल एजेंट लगा के रखा हुआ है भाई, कंप्रेसर लगा होता है उसमें, वो वर्कडन करके हीट निकालता है, वो सब आप क्लास 11th में पढ़ोगे रेफ्रिजरेटर आपका, ठीक है, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि पानी से हीट निकल जाए, ठीक है। तो उसको अगर आपको लो टेम्परेचर पे आना है तो आपको उस पर एक रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा। तो ये सब बातें अलग हैं, लेकिन आपने देखा स्टेट चेंज नहीं हुई और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो अब क्या होगा, जब ये जीरो डिग्री सेल्सियस का वाटर हो जाएगा, तो जीरो डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर के मॉलिक्यूल कौन से स्ट्रक्चर में आने लगते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर में, और आइस बनाना शुरू कर देंगे। यानी कि थोड़े समय तक अब टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, स्टेट चेंज होगी। मतलब देखिए, समय बढ़ा, ध्यान से करिए, समय बढ़ा और आपको टेम्परेचर कितना मिलेगा, जीरो। इस समय पे भी टेम्परेचर कितना मिलेगा, जीरो। इस समय पे भी टेम्परेचर कितना मिलेगा, जीरो। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ये पहले ऐसे और फिर ऐसे। अब जब सारा वाटर आइस में चेंज हो गया, मतलब पहले जीरो डिग्री सेल्सियस के किस पे था वाटर, पहले 30 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे था, फिर जीरो डिग्री सेल्सियस के वाटर पे गया, अब पहुंच गया वो किस पे, जीरो डिग्री सेल्सियस के, ध्यान से चेक करिएगा, अब वो पहुंच गया जीरो डिग्री सेल्सियस के आइस पे, और यहां से यहां तक स्टेट चेंज हो रहा था, इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। तो इतने समय के लिए टेम्परेचर कितना है, जीरो। अब सुनिए, ध्यान देने वाली बात है, आपकी आइस कितने पे है, जीरो पे। कंपार्टमेंट कितने पे है, लेस देन जीरो पे। तो बताओ किसका टेम्परेचर हायर, नंबर लाइन पढ़ी है, नंबर लाइन पे जीरो बड़ा होता है कि माइनस वाला नंबर बड़ा होता है, जीरो बड़ा होता है, ठीक है। तो अभी जो आपकी आइस है, जो आपकी आइस है वो कैसे,
आइस जीरो वाली आपकी हायर टेम्परेचर पे और कंपार्टमेंट क्या है लोअर टेम्परेचर पे, क्योंकि कंपार्टमेंट क्या था लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव था वो, अरे लेट अस अज्यूम माइनस फाइव पे यार, कंपार्टमेंट माइनस फाइव पे, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर से हाँ, तो अब आइस में से हीट कहाँ फ्लो करेगी कंपार्टमेंट में, और ये जो आइस आपकी रखी हुई है अब इसका स्टेट नहीं चेंज होगा, अरे आइस के बाद कोई स्टेट नहीं होता है, सॉलिड बन तो गया, अब उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो अगर अब आप समय बढ़ाओगे, अगर अब आप समय बढ़ाओगे तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, आपने अब समय बढ़ाया लेकिन आपको टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, नेगेटिव एक्सेस में, क्योंकि अब जीरो से इसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, माइनस 1.0 माइनस 2.0 ऐसे। तो इस टाइम के बाद सपोज ये वाले टाइम पे आपको टेम्परेचर इतना मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव कहीं तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, और ये वाले टाइम पे आपको और टेम्परेचर नेगेटिव मिलेगा यहाँ कहीं, तो ये देखिए दो पॉइंट मिले, और इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ हमारा कैसे आया, ये ऐसा ऐसा, कोई डाउट है, ठीक है अब जाके चेक कर लो ऐसा ग्राफ कहाँ है, ये देखो ये टाइम एक्सेस है, तो ये देखिए जीरो टाइम पे उसका टेम्परेचर हाई था, फिर टेम्परेचर फॉल किया और यहाँ पे जीरो डिग्री सेल्सियस की अब वाटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से सपोज बी तक वो जीरो डिग्री सेल्सियस का क्या है आइस बन रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, अब आइस बन चुकी है पॉइंट बी पे इतने टाइम पे, अब आइस का टेम्परेचर डाउन होगा, बस समझ में है कि नहीं, इसलिए ये ग्राफ ट्रू है, तो हम ऑप्शन ए पे टिक लगा देंगे और थोड़ा सा कॉमेंट कर देंगे यहाँ पर, कॉमेंट क्या करेंगे, आंसर हमने यहाँ लिखा हुआ है द वाटर विल कूल टिल इट रीचेस जीरो डिग्री सेल्सियस, शुरुआत में वाटर कूल होगा जब तक वो जीरो डिग्री सेल्सियस नहीं पहुँच जाता है, द फ्रीजिंग पॉइंट यही क्या होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है जहाँ पे आइस बनना शुरू हो जाती है, एट दिस स्टेज द टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है एट दिस स्टेज मतलब अब जीरो डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा टिल द वाटर फ्रीज टिल ऑल द वाटर फ्रीज जब तक पूरा पानी जम नहीं जाता फ्रीज नहीं हो जाता, आफ्टर दिस जब पानी जम के बर्फ बन जाएगा जीरो डिग्री सेल्सियस की बर्फ बन जाएगी फिर क्या होगा द टेम्परेचर वुड फॉल अगेन अब टेम्परेचर फिर से फॉल करना शुरू होगा, इसलिए हमने किस पे ग्राफ टिक लगाया ए पे, कोई डाउट है तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 21 का है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है और जाते रहते कॉमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक को चेक करना ना भूलें, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।